सेल सॉल्यूशन वाला यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत है। आज हम बात करेगा सोनी एक्सपीरिया Z2, इसका मॉडल नंबर D6503, इसका डिस्प्ले लाइट का बारे में। डिस्प्ले लाइट कैसे रेडी कर सकते हैं, इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स मेनली आ रहे हो, इसके बारे में आज का वीडियो। वीडियो शुरू से एंड तक आराम से देख लो। ये देखो, इसमें बड़ा रोल है इसका पावर आईसी का। डिस्प्ले लाइट अगर काम नहीं कर रहे तो पावर आईसी डैमेज है, तो भी पावर आईसी के थोड़ा जगह काम नहीं कर रहे है तो भी इसका लाइट काम नहीं करेगा। लाइट में सबसे ज्यादा शॉर्ट आने वाला कैपेसिटर यही है, ये वाला कैपेसिटर आप लोग चेक करने का। अगर शॉर्टिंग है, एक सेक्शन शॉर्टिंग है तो ये कैपेसिटर लीकेज है, ये फुल शॉर्टिंग है, ये देखना ही पड़ेगा। ये देखो, ये कंपोनेंट भी, ये डायोड भी, इधर तीन छोटा कंपोनेंट पड़ा हुआ। ये देखो, इधर एक रेजिस्टेंस, काला कलर का रेजिस्टेंस पड़ा हुआ, ये देखने का। ये आप लोगों का डैमेज है, ओपन है, देखने का। इसका ऊपर भी दो छोटा कंपोनेंट पड़ा हुआ, ये भी लाइट सेशन का जरूरी कंपोनेंट्स है। ये इतना कंपोनेंट्स, 1 2 3, ये तीन कंपोनेंट ये चेक करना ही पड़ेगा आप लोग। उसके बाद आप लोगों को इसका कनेक्शन आ रहे हो, इधर ही आ रहे हो। इधर आप लोगों को देख सकते हो, ये साइड से 1 2 3 4, इसका 7 8 9, ये कनेक्शन ये साइड से जरूरी पॉइंट है लाइट सेक्शन के लिए। इसका 7 वाला कनेक्शन इधर आप लोगों को 4 कंपोनेंट मिलेगा। ये 4 कंपोनेंट से ऊपर दो काला वाला रेजिस्टेंस आप लोगों को नजर आएगा, ये रेजिस्टर में आ रहे हो। 7 8, ये दोनों कनेक्शन, ये दोनों रेजिस्टर में आ रहे हो। 7 वाला कनेक्शन सबसे पहले वाला रेजिस्टर का ये साइड में, 8 वाला कनेक्शन उसके 7 वाला रेजिस्टर का ये साइड में आ रहे हो। आप लोगों को उधर प्रिंट ब्रेक है तो जम्पर लगा सकते हो, दो कनेक्शन। 9 9 वाला कनेक्शन आप लोगों को इधर एक काला वाला कंपोनेंट में बोला ना, ये कंपोनेंट का ये साइड में लगा सकते हो। ये कंपोनेंट ओपन होने वाला कंपोनेंट है, इसलिए आप लोग मल्टीमीटर से चेक करना ही पड़ेगा। ये ओपन है तो आप लोगों को शॉर्ट कर सकते हो, ये देखना ही पड़ेगा। ये कंपोनेंट जरूरी कंपोनेंट है। उसके बाद ये कैपेसिटर भी चेक करने का, ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के लिए चांसेस है, इसलिए वो भी कंपोनेंट थोड़ा चेक करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को SMD कंपोनेंट्स कैसे चेक कर रहे हो ये माल नहीं है, तो हमारा प्लेलिस्ट में SMD कंपोनेंट्स चेकिंग बोल के एक फोल्डर बना के रखा हुआ, उसके अंदर सारा कुछ वीडियो, उसके अंदर आप लोगों को जितना भी कंपोनेंट्स है SMD में वो सारा कैसे चेक कर सकते हो, कैसे वर्किंग कर रहे हो, उसके बारे में बहुत ज्यादा वीडियो बना के रहेगा हुआ। न्यू SMD कंपोनेंट्स बोल के दूसरा एक फोल्डर भी है, उसके अंदर आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से कैसे SMD कंपोनेंट्स चेक कर सकते हो, बिगिनर्स के लिए बना हुआ एक फोल्डर है, वो भी आप लोगों को देख सकते हो। ये डायोड भी आप लोग थोड़ा चेक करने का, डायोड कंप्लेन नहीं है, ये भी थोड़ा चेक करने का। ये डायोड कैपेसिटर वगैरह चेक करने के लिए आप लोगों को ये बोर्ड से उतारना ही पड़ेगा। बोर्ड से नहीं उतारेगा, इतना करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, अंदाजा एक वैल्यू मिल जाएगा। आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। बहुत जल्दी एक नया टॉपिक लेके आप लोगों को सामने ही आएगा। सबके लिए गुड बाय।